केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल के दौरे पर हैं। 11 मई को अनुराग ठाकुर धर्मशाला के गगल एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद अनुराग ठाकुर रानीताल के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने जन समस्याएं सुनी। रानीताल निकलने से पहले अनुराग ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक को लेकर ओपिनियन पोल आए हैं जिसमें भाजपा की स्थिति रिजल्ट भी 15 को आएगा, रिजल्ट का इंतजार करें। वहीं जंतर मंतर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अनुराग ने कहा कि खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी। कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, पुलिस को FIR दर्ज करने को कहा गया, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, तो वहीं उन्होंने जांच पूरी होने तक खिलाड़ियों से धरना बंद करने की बात कही। खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, IOA को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को FIR दर्ज करने की किया, पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहां तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पावर कहीं और चल रही है, जबकि कुछ लोग केवल नाम के लिए ही मंत्री बने हैं। अनुराग ठाकुर ने ये बात प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के हाल ही में धर्मशाला दौरे के दौरान दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर कही। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से इतना ही रहेगा, वो केवल इतना ही बता दे, प्रदेश को तो छोड़ दे, क्या उनके साथ जो उनके जूनियर काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में मनमुटाव साफ देखने को मिलता है मुख्यमंत्री में और उनके विधायकों के बीच में, क्या यहाँ पर भी सरकार के मंत्रियों में और CPS में और बाकी नेताओं में मनमुटाव जाहिर नहीं हो गया है? क्या ये भी बताने की जरूरत 5वें महीने ही पड़ गई कि आखिरकार मंत्री कौन है? तो इसका मतलब पावर कहीं और चल रही है और कुछ लोग केवल नाम के लिए बने। इसके अलावा धर्मशाला में इसी महीने होने वाले IPL मैच को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि BCCI और IPL कमेटी और चेयरमैन का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने धर्मशाला को लंबे अरसे बाद IPL मैच का आवंटन किया, इससे पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ेगा। मैं धन्यवादी हूँ BCCI का और IPL का, कमेटी का, IPL के चेयरमैन का भी, जिन्होंने धर्मशाला के लिए मैचेस का आवंटन भी किया। लंबे अरसे के बाद IPL के मैचेस अब हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, इससे सदा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को और हिमाचल प्रदेश को बल मिला है। ना केवल खेल बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी दुनिया भर में दिखाने का एक अवसर मिलता है, जहां करोड़ों लोग देश और दुनिया भर में क्रिकेट मैचेस को TV के माध्यम से देखते हैं, तो भारत की और हिमाचल की संस्कृति को और इस खूबसूरती को देखने का अवसर मिलता है और सैलानियों का हजूम पूरे हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला की ओर रुख करता है। मेरा तो ये काफ़ी लंबा दौरा है जी, 12 से लेकर 16 तक मैं यही हूँ। केवल एक दिन अगर कैबिनेट होगी तो 17 तारीख को जाऊँगा, नहीं तो 19 तारीख तक तो मैं हिमाचल में ही 7 दिन के लिए हूँ। आज धर्मशाला में हूँ और देहरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, कल मैं कुल्लू में मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए जा रहा हूँ, 13 तारीख को मेरा जिला बिलासपुर का दौरा है, 14 को हमीरपुर का है, 15 को हमीरपुर बिलासपुर का है, फिर 16 को शिमला का है, 17 को दिल्ली हूँ, 18 को फिर शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है और 19 को मेरा बिलासपुर और धर्मशाला यहाँ का कार्यक्रम है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 11 से 19 मई तक हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।